बसपा से जिन लोगों का निष्कासन होता है या जो लोग अपने आप को अलग करते हैं बसपा से वो एक आरोप लगा देते हैं हमारे वो कहते हैं कि दरअसल उतना पैसा नहीं पहुंच पाया जितने की डिमांड थी आप अगर विधायक की दावेदारी करते हैं चुनाव लड़ते हैं जीतते हैं तो ऐसे में आपके पास शहर की सीट के लिए आपके पास क्या कुछ है? जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उस सिटी का डेवलपमेंट होता ही नहीं हम अगर फरखाबाद से की ओर बढ़ते हैं तो सड़कों पर ही पता लग जाता है कि विकास कहाँ हुआ चार विधायक और एक सांसद एक ही पार्टी से होने के बावजूद गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ से नहीं निकला और वो बाजू से होकर निकल गया चुनाव नजदीक आ गए हैं इसलिए एक बार फिर मार रसोई शुरू हो गई बीच में बंद हो गई थी माध्यम से उनसे कहना है कि वो लोग भी चुनाव आ गया रसोई खोल लें प्रारंभिक शिक्षा के दौरान जब हमारा हिंदी से परिचय हुआ तो उस परिचय के दौरान मुहावरों से हम आते जाते दो चार होते रहे उन्हीं में से एक मुहावरा था खुला खेल फरखाबादी फरखाबाद एक जिला है उसी से निकलता ये मुहावरा लेकिन इस मुहावरे में जब खुला खेल फरखाबादी की बात होती है तो दरअसल कई चीज़ें इस जिले में ऐसी हैं जो उतनी खुली सी नजर नहीं आती गुपचुप तरीके से कई चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसके चलते जो फरखाबाद की सड़कें हैं उनकी जो तबियत है वो दुरुस्त नजर नहीं आती इसके साथ ही विकास की जो गति है उसका जो रथ है वो पहिया कहीं ना कहीं किसी मुहावरे में फिट नहीं बैठता क्योंकि पहिया नजर आता है पंचर तो ऐसे में फरखाबाद इतना बदनसीब क्यों है इस पर भी चर्चा आम है जारी है क्योंकि चुनाव नजदीक है 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं ऐसे में हमारी जो यात्रा है चुनावी यात्रा है वो यथावत जारी है हर जिले हर विधानसभा को हम कवर कर रहे हैं नमस्कार मेरा नाम काविंद्र चौहान है और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास कार्यक्रम माहौल गर्म है ऐसे में जब हम फरखाबाद में मौजूद हैं तो यहाँ के विधायकों से बातचीत करने के बाद हम जब जनता से रूबरू हो रहे हैं तो उन्होंने कहा कि एक नेता और है जो दरअसल कद काठी चाल चलन से तो व्यापारी हैं लेकिन उनकी लोकप्रियता इस हिसाब की है कि वो नेता ज़्यादा नजर आते हैं तो ऐसे में हमने सोचा कि उनसे भी बातचीत की जाए और फरखाबाद के बारे में थोड़ा सा जाना समझा नेता, कर नेता जिनसे आज हम आपका परिचय कराने वाले हैं उनका नाम है मनोज अग्रवाल जी तो मनोज अग्रवाल जी बसपा के साथ जो उनकी गाड़ी है जो रथ है वो चलते चलते हिचकोले बहुत खाता है क्योंकि बसपा से अलगाव फिर उनके साथ आना ये ये सब जो कड़ियां हैं हैं जुड़ती सी रहती लेकिन इसको लेकर जनता बार बार सवाल करती है कि आखिर ऐसा क्यों है तो ऐसे में हमारे साथ मौजूद है मनोज अग्रवाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में नमस्कार नमस्कार जी मनोज अग्रवाल जी सबसे पहला सवाल देखिए सवालों की तो झड़ी लगेगी लेकिन खुलकर बात करेंगे सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह रहेगा कि बसपा को लेकर लोग बड़े सवाल कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि मनोज अग्रवाल जी का समझ में नहीं आता कि कब बसपा के साथ आ जाए कब इंडिपेंडेंट आ जाए और इस बार तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो अन्य कोई पार्टी है उसका दामन थाम कर आप चुनाव की जो ये रड़भेरी है इसमें कदम रख सकते हैं तो बसपा के साथ आपका क्या है एक बार फिर आपका निष्कासन हुआ है बसपा से हम जब से राजनीति हमने सीधी स्टार्ट करी है बहुजन समाज पार्टी के साथ ही रहे क्योंकि हमने जब बहन जी को सुना था तो हमें ऐसा लगा कि दबों का गरीबों का दबे कुछ लोगों की कोई बात कर रहा है उसी भावना के साथ हम पार्टी में गए थे और हमने कभी पार्टी को छोड़ा नहीं है मानी बहन जी का जो भी निर्णय रहा सत्रह सोलह में एक बार हमें निष्कासित किया गया था एक बार अभी किया गया है हम जो सेवा भाव से काम करते थे गरीब असहाय जो लोग फरकाबाद में हैं उनकी हारी बीमारी के माध्यम से बच्चों के पढ़ाई के माध्यम से अथवा माँ रसोई के माध्यम से या हम पिछले चौदह वर्षों से सामूहिक विभाग का कार्यक्रम कर रहे हैं सर्व समाज के बच्चों का बहुत विधि विधान से बाकायदा कन्यादान करके पैड चू उनको विदा करते हैं उसी भावना के तहत थे आज भी उस समाज के दिल में हम हैं वो समाज हमारे दिल में है हम चूंकि कन्यादान लेते हैं वो हमारा भाई का रिश्ता है और जीवन भर निभाएंगे पार्टी में होना ना होना निकाला जाना ये एक विषय हो सकता है लेकिन हमारा जुड़ाव उनके साथ था और है ठीक है एक बड़ी दिलचस्प बात लगी आपने जो भी जवाब दिया उसमें एक दिलचस्प बात मुझे ये लगी कि बसपा से जितने भी लोग सब समझते हैं जनता भी समझती है बसपा से जिन लोगों का निष्कासन होता है या जो लोग अपने आप को अलग करते हैं बसपा से वो एक आरोप लगा देते हैं मायावती जी पर वो कहते हैं कि दरअसल उतना पैसा नहीं पहुंच पाया जितने की डिमांड थी ऊपर से और बसपा में जिन लोगों को दरअसल देखा जाता है कि जो लोग कैंडिडेट बनते हैं उनके पास मोटा पैसा होता है जिनकी जेब जो होती है काफी भारी होती है लेकिन जब बसपा से अलग होते हैं तब कहते हैं कि मायावती जी के पास जो बैग था दरअसल उसमें उतना पैसा नहीं था जितना उनको चाहिए था तो ये आरोप आपने नहीं लगाया नहीं इस तरीके की कोई बात भी नहीं है हमारी निगाह में क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी से कई चुनाव लड़े उन्होंने हमें एम भी बनाया था तो पैसे वाली कोई बात नहीं थी वो जो लोग आरोप लगाते हैं वो उनका व्यक्तिगत मैटर है और वो क्यों लगाते हैं और क्या सत्य बहु जाने हमारा जुड़ाव बहुजन समाज पार्टी से मूल रूप से इसीलिए था और है भी मतलब उनके लोगों से है समाज के लोगों से है कि उनकी मदद करने में हमें बहुत मज़ा आता था बहुत अच्छा लगता था तो वो अच्छा हमें स्वयं को लगता था वो आज भी लग रहा है तो वो कार्यक्रम करते ही रहेंगे उसका पार्टी से निष्कासित होने से कुछ फर्क नहीं है और आरोप का कोई मतलब नहीं है आपकी बात की प्रामाणिकता जो है उस बात से निकल कर आती है कि आप वैवाहिक कार्यक्रम बहुत कराते हैं सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम जो है उसमें पिछड़े तबके के जो लोग हैं उनका ज़्यादा ख्याल और ध्यान रखा जाता है इसके साथ ही आपके परिचय में एक परिचय यह भी है कि जो नगर पालिका परिषद जो है उसकी जो अध्यक्ष की जो सीट होती है वो आपके पास रहती है तीसरी बार हैट्रिक कहा जाता है कि आपने हैट्रिक लगा दिया उस मामले में तो उससे जुड़ा भी सवाल आपसे बन जाता है उससे जुड़ा सवाल आपसे यह है कि डेंगू का जो प्रकोप था वो फरखाबाद में बड़ी तेजी से निकला और ये राष्ट्र स्तर तक की खबर बना कि फरखाबाद डेंगू के प्रकोप है उसमें चपेट में है ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ काम किए गए डेंगू का चपेट पूरे प्रदेश में था फरखाबाद में भी स्वाभाविक तौर से था उसके लिए हम लोगों ने सैनिटाइजेशन का जितना भी काम संभव था छिड़काव का लार्वा साइड का सफाई का वो कराया लेकिन डेंगू का जो इस बार का प्रकोप है वो ऐसा नहीं नजर आता कि पानी रुकने से कहीं हुआ वैसे डेंगू के लिए ये कहा जाता है साफ पानी में इसका मच्छर जन्म लेता है तो सफाई व्यवस्था पे बहुत ध्यान दिया गया छिड़काव पे ध्यान दिया गया लार्वा साइड पे ध्यान दिया गया फॉगिंग पे ध्यान दिया गया इस तरीके काम बहुत अधिकता में मतलब पिछले वर्षों से अब बार बहुत ज़्यादा कराया हमने ठीक है नगर पालिका अध्यक्ष की सीट आपके पास है काम कराने की आप बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव है ऐसे में विधायक को लेकर यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि आप अगर विधायक की दावेदारी करते हैं चुनाव लड़ते हैं जीतते हैं तो ऐसे में आपके पास फरखाबाद सदर सदर यानी शहर की सीट तो शहर की सीट के लिए आपके पास क्या कुछ है कोई ब्लूप्रिंट है कोई सॉल्यूशन है जिससे आपको लगता हो कि यहां पर यह सुधार होने चाहिए थे जो अभी तक किसी ने नहीं करवाया लेकिन इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है देखिए फरुखाबाद हमारा बहुत पिछड़े हुए श्रेणी में आता है सराउंडिंग अगर हम लोग एटा इटावा मैनपुरी हरदोई शाहजहांपुर देखें तो ये हमारे फरकाबाद जैसे ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे और उसी तरीके से इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी था उसी तरीके से पॉपुलेशन थी उसी तरीके की मानसिकता भी थी विचारधारा भी थी आज हमारे सराउंडिंग सारे जिले बहुत डेवलप कर गए अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं होटल्स आ गए हैं मॉल्स आ गए हैं सब ब्रांडेड चीज़ें आ गई हैं यहाँ भी परिवर्तन हुआ है बदलाव आया लेकिन उस स्तर पर नहीं आ पाया उसके लिए यहाँ पर जब तक विचारधारा नहीं होगी देखिए कोई भी परिवार का एक व्यक्ति अगर कमाता है और उस परिवार में बीस सदस्य हैं तो वो परिवार को केवल पाल सकता है ज़्यादा ज़्यादा पढ़ा सकता है खुशहाल नहीं कर सकता इसीलिए संवैधानिक तरीके से भी किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए तीन व्यक्ति दिए गए हैं जैसे अगर नगर की बात करें हम लोग तो नगर पालिका अध्यक्ष हैं माननीय विधायक जी हैं माननीय सांसद जी हैं तीनों मिलकर अगर इस शहर पे ध्यान केंद्रित करें विकास के मुद्दे पे तो निश्चित रूप से इस शहर को खुशहाल बना सकते हैं अभी केवल पाला जा रहा है क्योंकि नगर पालिका द्वारा जो भी काम कराए जा रहे हैं सफाई व्यवस्था मूल व्यवस्था है लाइट की व्यवस्था है या सड़कों की शहर की व्यवस्था है वो जितना नगर पालिका द्वारा क्योंकि नगर पालिका पत्नी है हमारी इस समय उसमें आक्षेप भी है ध्यान रहता है हमारा जानकारी रहती है जो नगर पालिका एक सड़कों का, का काम है या डेवलपमेंट काम वो करा रहे हैं लेकिन उससे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाएगा जो सड़कें बनी हुई हैं जो तरीके बने हुए उसी को हम ठीक कर सकते हैं वरना यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत आवश्यकता है रिंग रोड बनने की बहुत आवश्यकता है अंडरग्राउंड क्लेबलिंग की बात हो रही थी जो हम 2016 में जब हम एम थे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी थे उनको हम प्रपोजल भी देके आए तो स्वीकृत भी हो गया था लेकिन फिर सरकार नहीं रही तो फरकात के लिए बजट नहीं मिल पाया लेकिन वो आज भी नहीं हो पाया रिंग रोड की बात है शहर हमारा पुराना बसा हुआ है अतिक्रमण के रूप में या कंस बसा ही हुआ है यूँ मान सकते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जाम की दिक्कत है रोजगार के लिए कुछ है ही नहीं युवाओं के लिए कुछ है ही नहीं वो जब तक नहीं बनेगा और ये विचारधारा से बनेगा जब तक रोजगार नहीं मिलेगा जब तक बाहर का पैसा इस शहर में नहीं आएगा चाहे इंडस्ट्री के माध्यम से आए चाहे रोजगार के माध्यम से आए तब तक उस सिटी का डेवलपमेंट होता ही नहीं दुर्भाग्य हमारा कि हम लोग किसी बड़ी लाइन से अच्छे से नहीं जुड़े हैं किसी रोड अच्छे से नहीं जुड़े हैं अभी एक चांस था इंफ्रास्ट्रक्चर में एक चांस था कि वो रोड हमें मिल सकती थी हम गंगा एक्सप्रेस से जुड़ सकते थे लेकिन वो हमसे दूर चली गई जब तक कोई बड़ा साधन क्योंकि ये रोज़ रोज नहीं होते इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाए चला जाए कोई खास बात नहीं मेडिकल कॉलेज आ जाए चला जाए कोई खास बात नहीं कोई दूसरी गवर्नमेंट दे देगी या दूसरे बाद में मिल जाएगा अगले चरण में मिल जाएगा लेकिन ये सड़कें तो सौ दो साल में एक बार बना करती हैं उनसे हम लोग दूर रह गए और ये डेवलपमेंट तभी संभव है जब यहाँ के जनप्रतिनिधि उस डेवलपमेंट के लिए कंसनट्रेटेड हो आप कह रहे हैं कि नियत चाहिए पर बात करेंगे लेकिन इससे पहले एक और चीज़ थी आपने एक जिक्र किया आपने कहा कि जो बाजू के जिले हैं जो हमारे पड़ोसी जिले वहां पर विकास हुआ और दिखता भी है अगर से की ओर बढ़ते हैं, तो सड़कों पर ही पता लग जाता है कि विकास वो दरअसल समाजवादी पार्टी का तो ऐसे में जब सपा की सरकार रही तब वहां पर विकास और फरखाबाद को उस समय अछूता छोड़ दिया गया बात यहाँ पर पार्टी से ज्यादा है जनप्रतिनिधि की कोई भी योजना सरकार बनाती है योजना सबके लिए बनाती है लड़के झगड़ के खुजामत से अपनी मजबूती से अपनी बात को रखने के प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन रखने के बाद उसका फॉलोअप जब तक ये पूरा प्रोसेस नहीं होगा तो कोई भी सरकार मतलब इवन कोई छोटा बच्चा जब अपने माँ बाप से भी किसी चीज़ के लिए बार बार परसू नहीं करता वो काम जल्दी हो नहीं पाता है तो ऐसे भी सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे समाजवादी पार्टी की हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की हो बात है जनप्रतिनिधियों के अपनी मानसिकता की हमारे फरकाबाद में हमेशा चुनाव अधिकतर चुनाव एंटी होता रहा कि इस जात के विरोध में हो रहा है उस धर्म के विरोध में हो रहा है जिस दिन मेरिट पे होगा और उन लोगों को चुना जाएगा जो लोग जनता के लिए यहाँ के हितों के लिए कंसनट्रेटेड हो जाएंगे वचनबद्ध हो जाएंगे जुनून उनके अंदर होगा तो निश्चित रूप से यहाँ का भी डेवलपमेंट हो जाएगा सरकारें तो काम कर ही नहीं है कोई भी सरकार कर रही है आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि मेरिट के हिसाब से चुनाव के द, जब मंच पर आते हैं तो नहीं आते खड़े नहीं हो पाते एक और सवाल था आपसे कि जब हम सदर विधायक से बातचीत कर रहे थे तो मैंने उनको सड़कों को लेकर बताया सड़कों को लेकर मैंने कहा कि जिस तरीके की सड़कें हैं जो बदहाली है उस पर आप देख रहे होंगे तो उन्होंने कहा कि जो सड़कें हमारे अंडर में आती हैं वो तो दरअसल ठीक है लेकिन नगर पालिका के अंदर आती हैं उनका हाल बेहाल है आप उनको देख बात की तो, जनता ने बताया कि बजरिया की बाकी जगह जो सड़कें हैं वो दरअसल बड़ी खराब है वहां आपके अंडर में भी आती है कुछ सड़कें जिसको सदर विधायक ने भी कहा नगर क्षेत्र में आने वाली एक भी सड़क आप नहीं गिना पाएंगे बजरिया की सड़क सन दो हजार में बनी थी हॉट मिक्स की वहाँ पर कई जगह होली जलती है और कई जगह पेड़ हैं बड़े पेड़ वृक्ष हैं उनके पानी से डैमेज हो गई थी और अभी बहुत कम पैसे में एक कोट पड़ा है उस पहली बार मतलब सात साल बाद जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से सरकारी व्यवस्था के हिसाब से तीन साल या पाँच साल में रिनूअल कर सकते हैं तो जो रिनूअल हुआ वो सात साल बाद हुआ वो भी सिंगल कोट का और जिससे वो जिंदा हो गई बहुत अभी मतलब जो काम एक मेडिसिन से हो सकता था वो किया गया है वरना आगे चल के ऑपरेशन करना पड़ता है तो अभी बहुत कम पैसे में एक सिंगल कोट पड़ा है उस पर रिन्यूअल करा गया ठीक है आप कह रहे हैं कि मेडिसिन से काम हो सकता है तो इसलिए करवाया गया रिन्यूअल का काम वरना आगे चलकर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो सकती थी पूरा ऑपरेशन वाली प्रक्रिया अपनानी पड़ती चूंकि अब मनोज अग्रवाल जी जो है वो बसपा में नहीं है तो आप बसपा में नहीं है तो खुलकर बोलने के लिए इंडिपेंडेंट है पूरी तरीके से स्वतंत्र है एक चीज बताने की कोशिश करिएगा कि कौन सी सरकार है प्रदेश स्तर की बात कर रहा हूँ विकास होना चाहिए और आपको फरखा बात के अगर परिप्रक्ष में बात करूं तो आपको लगा हो कि इस प्रदेश में जब उनकी सरकार थी तब विकास हुआ है दरअसल थोड़ा ही सही हुआ है देखिए सरकारें हम जैसे हमने पहले बताया कि सभी सरकारों की मंशा रहती है काम करने की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लखनऊ को लखनऊ बन गया माननीय अखिलेश जी की सरकार में डायल हंड्रेड एम्बुलेंस ये एक्सप्रेस वे अट्ठाईस महीने में मेट्रो बहुत सारे काम हुए ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी बहुत सारे काम हुए हमारे जिले की बात अगर करें जिले में काम होने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए सरकारों पास बजट योजनाएं सीमित हैं मतलब लिस्टेड है कि ये इन योजनाओं पर काम होना है कोई सरकार आती है किसी फोकस करती है कोई सरकार आती है किसी फोकस करती है योजनाएं है निश्चित हैं लगभग बजट लगभग निश्चित है कि इतना यूपी स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट से इतना सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा काम करना है अब उसमें डिपेंड करता है कि हमारे जिले के लोग कितना लड़ रहे हैं अपना हक लेने के लिए अपनी जनता के लिए कितना हक मांगते हैं कितना अधिकार मांगते हैं नगर पालिका स्तर पर भी एक आय सीमित है हमें जनसंख्या के आधार पर पैसा मिलता है पदमावित में जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है या राजवित्त में जो स्टेट गवर्नमेंट देती है उस पर हम जितना काम करा सकते हैं करा सकते हैं लेकिन जो बड़े काम हैं जो बड़े डेवलपमेंट हैं या इंडस्ट्री को लाना है या उद्योगपतियों को यहाँ लाना है रोजगार का यहाँ बनाना है नौजवान युवकों के लिए एजुकेशन के लिए कुछ बड़ा काम करना है उसके लिए जब तक सोच नहीं होगी नहीं होगा विकास हर गवर्नमेंट ने किया है किसी ने किसी क्षेत्र में किया किसी ने किसी क्षेत्र में किया अगर आप अभी बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो बहुत सारे जगह पर बहुत अच्छे काम हुए समाजवादी पार्टी सरकार में भी बहुत काम हुए भारतीय जनता पार्टी के में भी काम हो रहे हैं लड़ाई केवल इतनी है कि हमारे जिले में क्यों नहीं तो, तो क्या प्रतिनी... सरकार काम नहीं कर रही या प्रतिनिधि काम नहीं कर रहा आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि तो दरअसल हैं वहां गड़बड़ है वहां, गड़ वहां लूपोल नजर आ रहा है आपने एक और बात कही कि हक की लड़ाई जब तक नहीं लड़ेंगे हक की लड़ाई की बात करें तो फरखाबाद में आप कहीं भी चले जाइए तो एक आवाज जो बड़ी तेजी से उठ रही है वो आवाज ये है कि चार विधायक और एक सांसद एक ही पार्टी से होने के बावजूद गंगा एक्सप्रेस वे यहां से नहीं निकला और वो बाजू से होकर निकल गया इसको लेकर सभी जितने भी विधायक हैं सबसे अमूमन बात की सबने एक ही जवाब दिया कि वो एनजीटी की गाइडलाइन के अंडर

डीपीआर कंप्लीट हो गई जमीन का अधिग्रहण चालू हो गया उसके बाद उनको लगा कि अब हम इसको शिफ्ट करा ही नहीं सकते तो वो टेक्निकल बात आ गई अदरवाइज़ टेक्निकल बात का सोल्यूशन भी था ऐसा नहीं कि कोई सोल्यूशन नहीं था लेकिन वो बहुत देर से मेरे ख्याल से उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि संज्ञान में पहले ले लेते तो निश्चित रूप से फरकाबाद के बहुत करीब से वो सड़क जाती कह रहे हैं कि मतलब ये का जो है देर इनको सोचते सोचते। अभी की जो बात है, ये करी जा यास यास। ठीक है। एक और चीज सदर सीट से जानना चाहूंगा सदर सीट में आप दो बार चुनाव लड़े 2017 और 2019 2017 में आप इंडिपेंडेंट दो 2007 में भी लड़े ठीक है विधानसभा लड़े 2017 में इंडिपेंडेंट लड़े 19 में हम लोकसभा लड़े ठीक है ये जानना चाह रहा था कि 2000 अभी पास के चुनाव की बात करते हैं कि सत्रह में वो क्या कमी रह गई आप इंडिपेंडेंट थे निर्दलीय थे वो एक मसला है ही ठीक है बड़ी पार्टी का वोट बैंक अलग होता है लेकिन उसके बावजूद वो क्या कमी रह गई जिसकी वजह से आपको असफलता हाथ लगी 2019 में क्या कमी रह गई जिसकी वजह से गठबंधन का प्रत्याशी होने के बावजूद आपको असफलता हाथ लगी क्या मसला आ रहा है हमारा इसमें मानना यह है कि कहीं ना कहीं हमारी अभी निपुणता में कमी है दो में इंडिपेंडेंट लड़े हम हमें जनता ने यहां बहुत आशीर्वाद दिया जब हमें इक्कीस हजार वोट जिस दिन काउंटिंग वाले दिन हमें लगा कि बहुत कम वोट मिला है लेकिन जब हमने उसको पूरा 403 सीटों का आकलन देखा तो हमें लगा नहीं दो इक्कीस हजार वोट बहुत दिया है बहुत बड़ा प्यार दिया निश्चित रूप से हमें उस योग्य नहीं माना कि हम विधानसभा के सदस्य बनते और उस काम कर पाते और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी लहर भी थी और उसमें बहुत बड़ा मैंडेट मतलब हम तो कहते हैं संपूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश में उन्हें मिला कहीं ना कहीं मुझ में ही कमी थी जिसको हमने पाँच साल में काफ़ी सुधारने की मतलब सुधारने की मतलब जनता के बीच में और काम करने की कोशिश करी है कि जब हम उनके पैरामीटर्स पे मतलब हमारी जनता के पैरामीटर्स पे हम खड़े हो जाएंगे तो निश्चित रूप से प्यार में कमी नहीं है वोट की कमी हो सकती है चाहने वाले हमारे यहाँ बहुत हैं जिन लोगों ने हमें वोट नहीं किया वो भी आशीर्वाद देते हैं जिन लोगों ने वोट नहीं किया वो भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं हमारा हित नहीं चाहते लेकिन वोट नहीं करा क्योंकि हमें उस लायक उस समय नहीं समझा हो सकता आगे समझे जब समझेगी तब सही एक और चीज थी मनोज जी कि आप हम एक जगह गए थे, तो थे उन्होंने कहा कि मनोज अग्रवाल जी आप पर ही आप देखिए चुनाव नजदीक आ गए हैं इसलिए एक बार फिर मार रसोई शुरू हो गई है बीच में बंद हो गई थी चुनाव आ गए इसलिए मार रसोई शुरू हो गई तो जब हमने आपकी बात कर रहे थे हम इसी तरीके से सामाजिक कार्य काफी करवाते हैं आप तो उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्य दरअसल जब चुनाव आते हैं तब मनोज जी को याद आती है तो मार का जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा देखिए चुनाव आ गए हैं इसलिए अब शुरू की गई है बहुत अच्छी बात कही उन्होंने जो भी कार्यकर्ता महोदय थे दो हजार सत्रह एक जनवरी को मार चालू हुई थी जयललिता जी की पाँच दिसंबर दो हजार सोलह में डेथ हुई थी स्वर्गवास हुआ था नौ तारीख को या आठ तारीख की रात को उनकी बायोग्राफी आ रही थी हम और हमारी पत्नी रात को करीब बारह बजे से दो बजे तक देख रहे थे और ये उसी दिन प्रण ले लिया था कि इस टाइप की एक रसोई हम भी खोलेंगे और ठीक 20 दिनों में हम लोगों ने एक जनवरी को चार हजार स्क्वायर फीट का हॉल बनाकर ऑटोमेटिक मशीनें ला के स्टार्ट कर दी थी और 2019 तक पूरी चली जब 20 में कोविड का पूरा भारतवर्ष बंद हुआ तब तो हमने रसोई बंद करी और उन डेढ़ दो महीनों में हम लोगों ने पाँच किलो आटा पाँच किलो चावल और दो किलो आलू के दस पैकेट से ऊपर इसी शहर में बांटने का, का काम किया जब अब पूर्णता खुल गई अभी भी थर्ड वेव की बात चल रही थी इसलिए हम थोड़े दिन से रुके हुए थे जब हमें ये क्लियर हो गया कि अब शायद थर्ड वेव भगवान के पास नहीं आएगी तो हम लोगों ने रसोई स्टार्ट करी ये रसोई निरंतर चलेगी जब तक हम जीवित हैं हमारे माता के नाम से है माँ रसोई है ये रेस्टोरेंट नहीं है और इसमें हमारा पेट्रोल पम्प अटैच है उसकी आय से ये चलती है तो इसमें जो उनकी भावना है वो कहीं ना कहीं से शायद जानकारी कम होने की वजह से है और दूसरी सबसे बड़ी बात ये अगर हम ये मान लीजिए चुनाव की दृष्टि से करते हैं राजनीतिक दृष्टि से करते हैं तो हमारा आग्रह और निवेदन और आपके माध्यम से उनसे कहना है कि वो लोग भी चुनाव आ गया रसोई खोल लें शादियां करा दें बच्चे पढ़ा दें हारी बीमारी देख लें भावना ये बनाएं दो ही महीने के लिए बनाएं चुनाव पीरियड में अगर हम करते हैं तो जितने भी लोग प्रत्याशी के रूप में हैं या टिकटार्थी के रूप में हैं या चुने हुए हैं वो लोग भी ये काम करें उनका स्वागत है ये जनसेवा है इसमें सेवा वो भी करें ठीक है तो आप कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है अगर मुझ पर ऐसा आरोप लग रहा है तो आप कह रहे हैं कि आप भी करिए आप भी करिए ठीक ठीक है थी। थी, 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 बिल्कुल ठीक है आपकी जब बातचीत होती है आपकी जो चर्चा है वो दरअसल इस वजह से खास रहती है कि आप एक बड़े व्यापारी हैं इसके साथ ही साथ आप प्रत्याशी भी रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों से आपका ताल्लुक रहा है राष्ट्रीय पार्टी बसपा से है जिसमें आप थे अभी तक इसके साथ ही एक और चीज़ है आप वैवाहिक कार्यक्रम काफी कराते हैं सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रम काफी कराते हैं माँ रसोई आपका बड़ा एक लोकप्रिय जो है चल रहा है सब कुछ ऐसे में आप जो जनसेवा के कार्य कर रहे हैं आपको ऐसा मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि अगर आपको किसी पार्टी से टिकट मिलता है आप चुनावी मैदान में आते हैं आप जीतते हैं जीतने के बाद ये जो ग्राफ है आपका जनसेवा का ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा आप क्या क्या कुछ काम है जो आप मन में सोच रखा है लेकिन संसाधनों की कमी होने के चलते अभी नहीं कर सकते लेकिन अगर आप सत्ता में आते हैं अगर आप विधायक बनते हैं एमएलए बनते हैं तो आप वो काम करा सकते हैं देखिए पहली बात तो हम इस चीज को राजनीति से नहीं जुड़ना चाहते हम विधायक बने ना बने चुने जाए ना चुने जाए ने कुछ ऐसी बातें रहती होंगी जो आपको लगता होगा हाँ कि विधायक बन जाएंगे तो करवा सकते हैं पॉइंट पे आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे साधनों की जरूरत पड़ती है बहुत सारी टीम वर्क की जरूरत पड़ती है रसोई निरंतर चलेगी शादियाँ हमेशा होंगी चुने जाए ना चुने जाए जितना हम छोटे स्तर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं या हम जो भी हारी बीमारी का इंतजाम कर रहे हैं मेरे दो चीज़ों का बहुत मन है जो हम करेंगे आगे चल के एक यहाँ पर बच्चों की लाइब्रेरी खोलेंगे जिसमें बुक्स जमा करने का एक्सचेंज मतलब बैंक बुक बैंक होगी आप पुरानी किताबें दे जाओ नए अगले सिलेबस ले जाओ देर इज़ नो नीड टू बाय इट मतलब परचेज़ नहीं करनी पड़ेगी आप सिक्स के लिए किताबें ले जाइए आप फिफ्थ वाली किताबें जमा कर जाइए जिस स्कूल की भी हो आपकी इस तरीके के एक बैंक बनाएंगे हम जरूर बनाएंगे एक दूसरा मेडिकल लाइन में हमें बहुत दिक्कत सी महसूस होती गरीब आदमी के इलाज की बहुत दिक्कत है जो सरकारी इलाज हो रहा है वो हो रहा है सब सरकारें करती हैं और उनकी प्राथमिकता भी रहती है लेकिन लेबोरेटरी वाली बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी तो एक लेबोरेटरी हम खोलेंगे जिसमें ओपीडी का पर्चा लाने पर मतलब नॉर्मल ओपीडी का पर्चा लाने पर वो जाँच बहुत ही कम पैसे में मतलब बहुत लिमिटेड पैसे में वो जाँच होगी इस तरीके की दो तीन अभी हमारे प्रोग्राम और हैं वृद्धा आश्रम का एक प्रोग्राम है जो सेल्फ डिपेंड बनाएंगे हम मतलब वहीं लोग वृद्धा आश्रम में रह के अपनी आय से अपना वृद्धा आश्रम चलाएंगे जगह हम प्रोवाइड कराएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे और वो अपना कुछ ना कुछ वर्किंग करके चाहे वो लेडीज़ मंगोड़ी बनाएंगी पकौड़ी बनाएंगी या पापड़ बनाएंगी उसी टाइप का कुछ भी काम जितना उनका बस का हो जितना उनका स्वास्थ्य काम करता हो उस हिसाब से करके वो अपने को सेल्फ डिपेंड बनाएंगे उन्हें नहीं लगेगा कि हम वृद्धाश्रम में फ्री रह रहे हैं उन्हें लगेगा कि हम अपनी वर्किंग से कर रहे हैं भले वो दिन भर में छोटा काम करें या ज़्यादा काम करें इश्यू नहीं लेकिन उन्हें लगेगा हम कुछ करके यहाँ रह रहे हैं और खा रहे हैं रसोई में भी अगर आप गौर करो हमने दस रुपए का प्रावधान केवल इसलिए दिया था कि जो वहाँ आदमी खाना खा रहा है उसे ये ना लगे कि हम फ्री का खा रहे हैं हम भीख खा रहे हैं हम दान खा रहे हैं नहीं अभी वो दस रुपये में चीज़ मिल रही है तो खरीद रहा हो अब वो चीज़ दस रुपये की है या पचास रुपये की ये इशू नहीं है उसका स्वाभिमान जिंदा है वहाँ पर कि हम थाली खरीद के खाते हैं और माँ रसोई में खाते हैं अपना थाली लेता है अपने आप खाना बहुत परोसने वाले परोसते हैं थाली धो के रख के जाता है उसको हमने भावनात्मक अटैचमेंट दिया है उसे ये ना लगे कि हम फ्री में खा रहे लगेगा स्वाभिमान पर भी चोट ना पहुंचे ऐसा ख्याल हैं इसके साथ ही बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा फरखाबाद में जब आप घूमते हैं तो आप टहलते टहलते ही समझ सकते होंगे कि बेरोजगारी कितनी चरम पर है यहाँ पर युवाओं के सामने बड़ी समस्या है या तो पलायन कर ले या फिर अगर यहाँ रहना है तो बेरोजगारी की मार को झेलना पड़ेगा तो इनके लिए तो इनको लेकर आपने क्या सोचा है इसका हल कैसे निकल सकता है इसका देखिए चूंकि आपने हमसे कहा कि हम एक व्यापारी हैं बैकग्राउंड हमारा व्यापारी का है हम कदकाठी से भी व्यापारी हैं और सोच से व्यापारी हैं हम इसका जो साधन सोच रहे हैं वो दो ही तीन तरीके से पूरा हो सकता है एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो कुछ लोगों को समझा कर बुझा कर यहाँ इंडस्ट्री लगवाएं एक लेकिन उससे भी पूर्ति नहीं होगी जो हमने छिंदवाड़ा में देखा हम यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे कंपनी को बुलाएंगे अपने ब्याह पे पर्सनल ब्याह पे वो विधायकी से कोई संबंध नहीं है नगर पालिका से कोई संबंध नहीं है अपने ब्याह पे बड़ी कंपनी उसको बुलाएंगे लाइक टाटा महिंद्रा एस्कॉर्ड्स मोटरसाइकिल डिपार्टमेंट के इनको सबको टेक्नीशियन की जरूरत पड़ती है उन टेक्नीशियन का यहाँ पर वो जो स्किल डेवलपमेंट का सेंटर होगा वहाँ से वो बच्चे उठाएंगे हर साल दो चार सौ बच्चा अभी अगर उठ गया हमारा यहाँ से चला गया पचास आदमी नोकियान ले लिए बीस आदमी हीरो ऑनर ले लिए जो बिल्कुल उन्हें नॉर्मल स्केल के चाहिए होते हैं जो एजुकेशन से संबंधित नहीं होते वो अगर मोबाइल की जो सिंपल फिटिंग है वो कर सकते हैं पार्ट्स को उठा के रख सकते हैं या अब अब स्किल करने काम करते हैं अगर उनमें क्षमता होगी तो वहाँ पर अपना सेटल हो जाएंगे ये हमारी दो विचार बहुत मजबूती के साथ हमारे पास हैं जिन पे हम काम भी करेंगे ठीक है इन पर आप काम करेंगे आपने बड़ी खूबसूरती के साथ ये चीज़ बताई कि अगर विधायक से इसका कोई संबंधी विधायकी होती है नहीं होती है लेकिन आपके मन में है कि व्यक्तिगत रूप से हम बाहर से कंपनियों को बुलाएंगे और ये सब चीज़ें देखेंगे एक काम जो आपको लगता हो कि इस सरकार पे हमारी विधानसभा में जहां हम बैठे हुए हैं सदर विधानसभा आपको लगता हो कि ये काम सबसे ज्यादा आपको लगता हो कि ये गड़बड़ रहा इस बार ये प्रश्न आपका बहुत कठिन है इसका जवाब जनता बेहतर दे पाएगी क्योंकि निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं है और अभी हम किसी पार्टी में नहीं है तो किसी कटाक्ष का कोई मतलब नहीं बनता विषय यह है कि आपने चूंकि विधायक जी से या अन्य जनप्रतिनिधि से पूछा होगा कि एक काम गिना है आपकी कौन सा करा है आपने तो उसी पर आप काउंटर कर दीजिए उनको उसका आपको उसका लगाओ उसका कि उन्होंने कहा हाँ उसका ही उत्तर आ जाता है अपने आप कि उन्होंने क्या करा देखिए यहाँ पर बात सबसे बड़ी ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो भी वर्तमान में है वो स्वयं अपने बात को सोच के देखें कभी तसली में जब हों कि ऐसा कौन सा काम जो उनके प्रयास से यहां हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं में राशन बट रहा दस हजार रुपए रेडी वाले को लोन मिल रहा सामूहिक विवाह माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो रहा माननीय प्रधानमंत्री जी आवासीय योजना का काम हो रहा ये पूरे प्रदेश में और देश में हो रहा ऐसा कौन सा काम है जो उनके प्रयास से जब कभी कभी हम लोग जैसे छोटा सा बिजनेस करते हैं और शोरूम जाते हैं या अपने स्कूल जाते हैं या कोल जाते हैं तो शाम को लौट के ये अपना चिंतन करते हैं कि आज अगर हम नहीं जाते तो क्या काम में कमी रह जाती या हम क्या एड ऑन करके आए फॉर वी आर हम किस लिए पैदा हुए हैं अगर हम उस इंस्टीट्यूशन के हेड हैं तो हमने आज इंस्टीट्यूशन को क्या दिया एड क्या किया केवल एक बार ये सोच के देखे की उन्होंने शहर को क्या दिया ठीक है तो आपका जो एक तंज कहूंगा ऐसे ये है जनप्रतिनिधियों के लिए कि उनको आत्मंथन करना चाहिए कि दरअसल उन्होंने किया क्या है उनके प्रयासों से क्या हुआ है जो हुआ है प्रदेश स्तर से हुआ है लेकिन उनके प्रयासों से क्या कुछ हुआ है तो इसी के साथ मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सवालों का इतनी शानदार तरीके से और इतने बेहतर ढंग से जवाब देने के लिए इसके साथ ही आपके पास जो रोड मैप है आप जो आगे का ब्लू बता रहे हैं कि भविष्य में आप वो काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जनता के लिए काम जो है काफी लाभदायक साबित भी होंगे तो मनोज अग्रवाल जी हमारे साथ थे फरकाबाद का चर्चित चेहरा लोकप्रिय नाम इनसे हमने बातचीत की सवालों के बेहद शानदार तरीके से इन्होंने जवाब दिए इसके साथ ही एक जो चीज अच्छी निकल कर आई कि नेताओं के पास दरअसल ब्लू की जब हम बात करते हैं कि आप आगे भविष्य में क्या करेंगे तो वो कहते हैं कि आने वाला समय बताएगा इसको के वो जलेबी बना देते हैं लेकिन आज जी ने एक जो तरीका था उनका बताने का उन्होंने बताया कि भविष्य में वो ये काम कर सकते हैं चाहे वो जीते या ना जीते उससे उनका मतलब नहीं है लेकिन हाँ वो ये काम करना चाहते हैं और अगर वो जीतते भी हैं अगर वो विधायकी का चुनाव लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं तो उनके पास भी क्या कुछ उनके पिटारे में है तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था मनोज जी से हमारी बातचीत हुई चर्चा हुई शानदार रही आगे भी इसी जनप्रतिनिधियों से नेताओं से वरिष्ठ लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे बातचीत कराते रहेंगे बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद बसपा से जिन लोगों का निष्कासन होता है या जो लोग अपने आप को अलग करते हैं बसपा से वो एक आरोप लगा देते हैं हमारे वो कहते हैं कि दरअसल उतना पैसा नहीं पहुंच पाया जितने की डिमांड थी आप अगर विधायक की दावेदारी करते हैं चुनाव लड़ते हैं जीतते हैं तो ऐसे में आपके पास शहर की सीट के लिए आपके पास क्या कुछ अच्छा? जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उस सिटी का डेवलपमेंट होता ही नहीं हम अगर फरखाबाद से मैनपुरी की ओर बढ़ते हैं तो सड़कों पर ही पता लग जाता है कि विकास कहाँ हुआ चार विधायक और एक सांसद एक ही पार्टी से होने के बावजूद गंगा एक्सप्रेसवे वे यहाँ से नहीं निकला और वो बाजू से होकर निकल गया चुनाव नजदीक आ गए हैं इसलिए एक बार फिर मार रसोई शुरू हो गई बीच में बंद हो गई थी के माध्यम से उनसे कहना है कि बोलो भी चुनाव आ गया रसोई खोल लें